संगच्छद्वं संविदध्वं सन्वो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सज्जनानाउपासते। आज छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय योग विभाग आपका स्वागत करता है व आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमारे परिसर में कुलपति जी प्रोफेसर ओपीएस नेगी व कुल सचिव भरत सिंह जी द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें योग विभागाध्यक्ष डॉक्टर भानु प्रकाश जोशी सहित समस्त योग विभाग व अन्य स्टाफ द्वारा योगासन का अभ्यास किया गया, जिसमें COVID-19 को ध्यान में रखते हुए श्वसन तंत्र पर पड़ने वाले कुछ योगासन व प्राणायाम का अभ्यास किया गया, जिसमें मुख्यतः ताड़ासन, कटिचक्रासन, अर्धचक्रासन, मार्जारीआसन, गोमुखासन व सूर्य नमस्कार आदि तथा प्राणायाम व श्वास प्रश्वास के अभ्यास में कपालभाति, भस्त्रिका व अनुलोम विलोम का अभ्यास शामिल था। अन्य साथी योग विभाग के समस्त कर्मचारी, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आप निर्देशों को ध्यान से सुनकर अभ्यास करें। सामान्य स्थिति में हथेलियों को आपस में मिला लें, उंगलियां लॉक करते हुए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पुनः धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को ढीला छोड़ दें, वापस लेकर आए। उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों ऊपर की ओर, इसमें श्वास प्रश्वास की क्रिया आप देखेंगे। श्वास भरते हुए आपको शरीर को खींचना है, पर आपकी इंद्रियां जमीन पर स्थित रहेंगी। इस तरीके से मोड़ते हुए और दायां हाथ आपके बाएं कंधे की तरफ रहेगा। यदि आप बाईं ओर जा रहे हैं तो दायां हाथ बाईं कंधे की तरफ रखने का प्रयास करें बाएं हाथ को। इसी स्थिति में 5 सेकंड रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 श्वास भरते हुए वापस आएंगे, हाथों को सीधा फैलाते हुए पुनः आए, गत्यात्मक रूप से मूवमेंट के साथ करेंगे। 5, 6 हाथों को पूरा खोलते हुए मोड़ कर लेकर जाए। 7 पूरी सांस बाहर निकालते हुए, 8 आते हुए, एक बार आप डेमो देख लीजिए। इसमें बाई ओर जाएंगे, बाया पंजा बाहर की ओर जाएगा, बाएं पंजे को बाहर की ओर मोड़ेंगे व आपको बाएं हाथ से बाई तरफ करने के लिए बाएं पंजे को बाहर की ओर मोड़ लें। धीरे धीरे आपको हाथ को नीचे ले जाने का प्रयास करना है, जितनी भी अंतिम स्थिति आपकी रहती है धीरे धीरे विश्राम करें। 1, 7, 8 पुनः श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। यहीं से पंजे को सीधे कर ले सामने की ओर, हाथों को ढीला छोड़ लें। यहीं से अगला अभ्यास दाईं ओर, अंतिम स्थिति होल्ड करेंगे। 1, 2 सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सामान्य कमर दर्द के लिए काफी अच्छा अभ्यास है, जो आपके रिब केज को खोलकर आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ाता है। आपको सपोर्ट के लिए दोनों हाथों को कमर पर रखना है, कमर के निचले हिस्से पर, जिससे कि आपको सपोर्ट मिल सके। आपकी
जो पैरों की स्थिति है वो आपकी टाइट रहेगी। श्वास भरते हुए आपको अपने पैरों को थोड़ा आगे की ओर लेकर आना है, कंधों को पीछे की ओर और कमर से पूरा झुकाव देंगे। अंतिम स्थिति में आपकी गर्दन ढीली रहती है। ध्यान रहे, इस स्थिति में आपको अपनी शरीर का निचला हिस्सा बिल्कुल टाइट रखना है, जिससे कि आपका संतुलन बना रहे। पुनः धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। यहीं से गत्यात्मक रूप से अगला आसन करेंगे, ताम्र पोज। हल्का सा कमर आगे की ओर धकेले, कमर से मुड़ते हुए पूरी गर्दन पीछे की ओर। अंतिम स्थिति में 5 से 10 सेकंड रुकेंगे अपने अपने सुविधा अनुसार। 1, 2, 3 अगला हस्तोत्थान। श्वास भरते हुए यदि संभव ना हो, आपको दिक्कत हो रही है, तो आप कमर में हाथ रख के भी जैसे अर्ध चक्रासन का अभ्यास किया था कर सकते हैं। श्वास भरते हुए हल्का सा पीछे की ओर झुकेंगे, ऊपर की ओर देखने का प्रयास करेंगे। कमर पर पूरा खिंचाव देते हुए के साथ आगे मूवमेंट करेंगे। सभी अपनी स्थिति में आ जाएं, घुटनों को मोड़ लें, घुटनों पर अपनी एल्बो स्ट्रेट रखेंगे। धीरे से गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं, सांस भरते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाएं। नाभि को देखने का प्रयास करें, कमर में जो दूसरे निर्देश यदि मैं दूं तो आपको अपना पेट को बाहर की ओर करना है, छाती को बाहर की ओर करना है, चेस्ट आउट जाएगी, कंधों को पीछे की ओर धकेलना है, गर्दन को ऊपर की ओर उठाना है। श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाएं, नाभि को देखने का प्रयास करें, श्वास छोड़ते हुए देखते हुए कमर पे गर्व बनाकर रखें, जितना अधिक आप दबाव दे सकते हैं, हल्का आपके घुटनों और अकेले पर प्रेशर रहेगा। पुनः श्वास छोड़ पाए 6, 7, 8, 9, 10 धीरे धीरे श्वास छोड़ें, कमर को ऊपर की ओर उठाते हुए पूरा उठाते हुए कंधों को नीचे की ओर लेकर आए, गर्दन नीचे रहेगी, नाभि को देखने का प्रयास, सामान्य श्वास पर श्वास रहेगी। 1, 2 आ जाए, दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठा लें। वज्रासन की स्थिति में यदि आपको घुटनों में किसी प्रकार की समस्या नहीं है तो आराम से आप बैठ सकते हैं। इससे अगला अभ्यास उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। पीछे दोनों हाथों को धीरे से सामने की ओर लेकर जाते हैं, बाएं हाथ को घुमाते हुए बाएं हथेली पर अर्ध उष्ट्रासन और दाएं हाथ को दाएं एड़ी पर, इस प्रकार आपको रखना होता है, गर्दन आपकी ढीली रहती है। अंतिम स्थिति में आप अपनी कमर को आगे की ओर रखें, इसे विश्राम की स्थिति में आ जाए। अगला अभ्यास गोमुख आसन का अभ्यास है। पैर को मोड़कर, बाएं पैर को मोड़कर दाएं जंघा के पास रखें, जो पैर आपके क्रॉस में आएंगे, बाएं पैर को मोड़कर दाएं जंघा पे, और दाएं में आपकी हिट बढ़ाते हैं। चलिए इसका अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को घुटनों पर इस प्रकार रखें, कमर आपकी सीधी रहेगी, हाथों को सीधा रखें। इसमें आपको पैसे है, क्योंकि सजगता पूर्वक आप केवल सांस छोड़ रहे हैं। हम इसका 20 से 30 बार अभ्यास करेंगे। अभी नियमित अभ्यास करते हैं, इसकी धीरे धीरे राउंड बढ़ा सकते हैं। कमर सीधी रखें, यदि आपको अभ्यास आता है, आप नियमित अभ्यास करते हैं, तो आप आंखें बंद कर सकते हैं, सामने देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए झटके से पेट को अंदर की ओर, जो पहली बार अभ्यास करें तो पेट पर हाथ रखकर देखें कि आप श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर कर रहे हैं या नहीं। तो अपनी दाई नासिका को बंद कर लें, बाई से श्वास भरें, दाई को बंद करके बाई से श्वास भरें, श्वास धीरे धीरे भर छोड़ा, दाई से लिया, बाई से भरा। इसी प्रकार 4 और चक्र करेंगे इसी के। पुनः बाई नासिका से धीरे धीरे श्वास भरें, 3 चक्र करेंगे, बाई से श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास की आवाज आए। आप ये हाथों के मूवमेंट के साथ करेंगे, जिससे कि आपका जो फोर्स है वो बना रहे ब्रीदिंग का, और इसी ही आपको रिदम में, इसी ही लयबद्धता के साथ आपको श्वास छोड़नी भी है। तो आप हाथों का मूवमेंट करेंगे, हाथ खींचते हुए श्वास। यदि असुविधा होती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, बहुत हाई बीपी रहता है, तो इस अभ्यास में आप रुक जाएं, असहजता महसूस होने पर आप रुक सकते हैं। 20 से 30 राउंड करेंगे आप, या 15 से 20 राउंड भी कर सकते हैं, यदि आप धीरे धीरे कर रहे हैं तो। ध्यान रहे, जिस रिदम के साथ, जिस लयबद्धता के साथ आप श्वास ले रहे हैं। पश्चन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित विश्वविद्यालय के कुलसचिव
श्री भारत सिंह जी, पहले सबको योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बधाई देता हूँ। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि योग जिसको हम खुले में करते थे हम बंद नहीं कर रहे हैं, परिस्थितियाँ ऐसी हैं। लेकिन जिस तरह से अंधेरा के बाद उजाला होता है, रात के बाद सवेरा होता है, थोड़ा ये हुआ है कि रात बड़ी होती है, सवेरा होगा। हमें जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, वो तभी बनेगा जब हम क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी बदलें, आपदा को अवसर में बदलें। पर आपदा को अवसर में बदलने के लिए सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य सही होना चाहिए। अभी भानु जी ने जो है स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों की बात की, और इन स्वास्थ्य को सही रखना है जिसमें सब में योग काम आता है। आज आप देखें कि जो एलोपैथी डॉक्टर थे जिन्होंने करीब करीब आयुर्वेद को इतना किनारे कर दिया था, आज उनके पास जाइए लास्ट में बोलते हैं योग करते हैं या नहीं करते हैं, कैसे कैसे बीमारियाँ आपके पास हो, कितनी बड़ी सर्जरी हो, सब लोग WHO की परिभाषा देख रहा था मैं, उसमें लिखा हुआ है देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। अगर आपका शरीर ठीक नहीं है, दिमाग ही ठीक नहीं है, अपने उसमें जो आपकी सोच ही ठीक नहीं है तो काम भी नहीं होगा। और अगर उस सोच को बढ़ाना है तो हमें योग पर ध्यान प्रोफेसर OPS नेगी साहब, हमारे कुलपति महोदय डॉक्टर आनंद जोशी जी, ARD बनकोटी जी, तकनीकी टीम पूरी, इंजीनियरिंग, वीडियोग्राफर और हमारे छायांकन व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स और हमारे कलीग्स साथी, सभी को मैं इस छठवीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। योग को आप लोग अपनाएं अपने जीवन में, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल पावर के लिए योग बहुत ज़रूरी है। इसको हमें अपने जीवन में अपनाना ही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे यूनाइटेड नेशन ने आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर 21 जून 2014 को अपनाया था, और हम आज छठवीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। सभी डिपार्टमेंट्स जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, मैं आप लोग सभी को हर क्षेत्र को बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ, बहुत अच्छा रहा है, और आने वाले दिनों में हमारे समाज को इस प्रकार से इंस्पायरेशन मिलती रहेगी। योग तीन चीज़ों में बेहद लाभकारी बताया, अच्छी कम्युनिटी के लिए, अच्छी यूनिटी के लिए और अच्छी इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी वर्धक और अपनी यूनिटी को जोड़ने के लिए। पर वर्तमान समय ऐसा है कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत, हमें यह अभ्यास, जैसा कि आयुष मंत्रालय ने भी बताया कि इन अभ्यासों को कैसे करना है, उन्होंने हमें जो दिशा निर्देश दिए हमने उसका पूर्ण रूप से पालन किया। योग एट होम, योग विथ फैमिली, घर से करें और परिवार के साथ करें, अर्थात अकेले अकेले करें। और इस अकेले अकेले का योग में बड़ा महत्व है। अगर हम देखें, जैसा मैं अवसर की बात आपसे कर रहा था, योग के जैसे कई फायदे हैं, जैसे शारीरिक रूप पर स्वस्थ होने के लिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए, अपनी इमोशनल हेल्थ को बनाए रखने के लिए, और एक बहुत महत्वपूर्ण फायदा जो है आध्यात्मिक लाभ प्राप्ति के लिए, कि योग का मूल उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति या समाधि की सिद्धि के लिए हम योगाभ्यास करते हैं। तो उस समाधि की सिद्धि के लिए जब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर हठयोग में जनसंघ परित्याग बताया गया है। योग में साधक और बाधक पत्र आपने देखे होंगे, जो भी योग के विद्यार्थी जुड़े हुए होंगे वो जानते हैं कि 6 साधक तत्व और 6 बाधक तत्व बताए हैं, और साधक तत्व में भी और बाधक तत्व में भी जनसंघ की बात आती है। बाधक तत्व यह मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जिसमें है अत्याहार, प्रयास, स्वप, जलपो, नियमाग्रह, जनसंघ, लौल्यं च, षट विनियोगो विनिश्यति, अर्थात जनसंघ का हम परित्याग करें, वो बाधक तत्व है। और इसीलिए अधिक लोगों के साथ हम योगाभ्यास न करें अगर हमें आध्यात्मिक लाभ लेना है। एक चीज़ और हम अगले माह से शुरू करने जाएंगे, जितने भी आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल वाला जो पोर्शन है, हमारी कोशिश यही रहेगी उस सारे प्रैक्टिकल वाले पोर्शन को जो हम कार्यशालाओं के दौरान हम आपको जो अभ्यास कराते हैं, प्रत्येक दिन के अलग अलग अभ्यास कराते हैं, उनके साथ साथ हम योग के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, हठप्रदीपिका है, घेरण संहिता है, शिव संहिता है, वशिष्ठ संहिता है, जो हठयोग के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं
उन ग्रंथों में जो जो चीज़ें बच गई हैं, छूट गई हैं, जो हमने आसन वाला पोर्शन लिया, कई विद्यार्थियों के मेरे पास फोन भी आए कि आसनों के बाद सर आप प्राणायाम आपने करा दिया, मुद्रा बंद को भी ले लें, तो शीघ्र ही जुलाई के माह में एक सीरीज हम अपनी चलाएंगे जिसमें हम लगातार प्रत्येक दिन आपको एक छोटी छोटी वीडियो बना के हम आपको देंगे जो 10 मिनट से अधिक की नहीं होगी, और एक अभ्यास, उसकी हम विधि, उसके लाभ और उसकी सावधानी, और दूसरा प्रयास हमारा ये रहेगा कि कार्यशाला अब भविष्य में कैसे हो या क्या हो यह अभी डिसाइड नहीं किया जा सकता, हो सकता है हमें ऑनलाइन ही सब कुछ करना पड़े, तो आप हमारी वेबसाइट का बार बार अवलोकन करते रहें, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ते रहें, हमारे फेसबुक पेज से जुड़ते रहें। तो जुलाई माह में ये सीरीज हम पूरी एक आसनों की निकालने वाले हैं। तो इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं कुलपति जी की प्रेरणा से और उनके निर्देश से इस बात की घोषणा करता हूँ।